अजब गजब घर जमाई। जी मालकिन, चोमू को बुलाओ। मालकिन जी वो तो चले गए। क्या? और अब हमें बता रहे हो? जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया है। अरे बताओ, अब हम शालिनी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे फोन है उसका। आप बात करो जी। मैं तो जवानी में उससे बात नहीं कर पाया, घबराता हूँ मैं बात करते हुए। पन्ना जी, आपसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। राधे राधे शालिनी, क्या बताएं शालू, हमें बहुत दुख हो रहा है कि। अरे जगदम्बे सुनो तो सही, तुमसे ज्यादा दुख मुझे है। चिन्मय को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना बोले ही आ गया वहां से। बहुत डांटा मैंने, लेकिन शुक्रिया कहूँ तो बहुत कम होगा। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ जगदम्बे, यही कहने के लिए फोन किया था। क्या? असल में पहले तो चोमू घर जमाई बनने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ, लेकिन 6-6 महीने अपने घर और यहाँ रहने को तैयार हो गया। अरे ये उससे तो अच्छा ही होगा ना, कि मेरी पोती किसी के घर की बहू बन के हमेशा के लिए चली जाती। ये सब तेरे छोटे जमाई के समझाने से हुआ है, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी बहुत छोटे शब्द है। हम ये तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलेंगे। बस बस रहने दो। ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था। अच्छा राधे राधे। क्या हुआ? पन्ना जी, इस चिंटू ने उस चोमू को पता नहीं क्या चिपकाया कि चमक गया, बदल गया, घर जवाई बनने को तैयार हो गया। डॉली जी, मैंने ना वो जो आइडिया है गोचू राम, मेरा मतलब चोमू राम को दिया था। वरना वो बेवकूफ आदमी, वो तो पता है पूरे साल घर जमाई बन के ससुराल में रहने के चक्कर में था। मैंने कहा भाई देख, तू अपने एक साल को ना दो भाग में बांट दे। पहले 6 महीने तू रहे अपनी ससुराल में और अगले 6 महीने में तू रहे अपनी मायके में, अपनी माँ के पास माइकल जैक्सन बन के। वाह चिंटू जी, क्या माइंड चलाया आपने। आई लव यू टू। वाह चिंटू। नानी जी की जय हो। चिंटू, तुम ऐसे इंसान हो जो भरे हुए गिलास को आधा खाली करके ये साबित करना चाहते हो कि गिलास आधा भरा है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। नानी जी। ये देखिए नानी जी, रमेश तैयार है, ताजा ताजा जमाई राजा। ये तो रमेश है। एक्शन। मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। जमाई धर्म का पालन बड़ी ईमानदारी से करूंगा। सुबह उठते सभी ससुराल वालों के पांव छूंगा और मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बड़ी मेहनत से मैंने याद किया, प्लीज मुझे घर जमाई बना लीजिए प्लीज। रमेश क्या हो गया तुम्हें? अरे नानी जी, रमेश हो या सचिन रमेश तेंदुलकर, क्या फर्क पड़ता है तो ये वही ना जिसे घर जमाई बनने की ट्रेनिंग देनी थी। नानी जी, जमाई राजा, जमाई नंबर 2 और कौन बनेगा जमाई, सारी फिल्में उसको दिखा दी। नानी जी, आपको पता नहीं है कितनी मुश्किल से मैंने इसको जमाई की ट्रेनिंग दी है। और आपको तो पता ही है, मुश्किलों को किल करना महान कपूर के बाएं हाथ का खेल है। गलत आदमी को रट्टा लगा दिया तुमने। अरे ये रमेश है, हमारे दुकान में घी और तेल सप्लाई करता है। ये भाई रमेश, तुमसे कहा था कि 25 डब्बे घी पहुंचाओ, दुकान में पहुंचाए तुमने? नहीं, मैं लाता हूँ। हाँ तो पहुंचाओ ना। बताओ साडू भाई, गलत एक्टर को गलत डायलॉग याद करा दिया आपने। कॉमेडियन कॉमेडी करके जा चुका, यानी मेरी मल्टी स्टार और मल्टी बजट फिल्म रिलीज ही नहीं होगी। नहीं, रिलीज होने से पहले डब्बे में बंद हो गए। तो ये था साडू भाई स्पेशल, शुद्ध देसी घी से बना हुआ। अजब गजब।